हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। सोनू ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं कल का जो वीडियो था हमारा वो किसी प्रॉब्लम की वजह से पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आज हम पार्ट थ्री में इसको हम कवर अप कर लेंगे। और आज फ्रेंड, मैं आपको जितना भी पढ़ाया हूँ अब तक उसके बेसिस पे मैं आपको आपके लिए MCQ क्वेश्चन भी लेकर आया, तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि हमने आज तक कितना पढ़ा है, ठीक है ना। तो आई होप जो पिछले जो मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर होगा। तो देखते हैं, हमने स्यूडो प्लास्टिक पढ़ लिया था, है ना। स्यूडो प्लास्टिक के बाद हम डायलेटेंट फ्लूड पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? डायलेटेंट फ्लूड। तो फ्रेंड, डायलेटेंट फ्लूड में भी बस कुछ नहीं, बस इसका एक वो थोड़ा सा एग्जांपल पूछेगा और ये होता क्या है वो। तो पहले जान लेते हैं कि डायलेटेंट फ्लूड होता क्या है, कि इसमें क्या है कि जो विस्कोसिटी है फ्लूड की इंक्रीज होगी अगर जो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को इंक्रीज करेंगे। देखो उसमें क्या था, जो स्यूडो प्लास्टिक में क्या था कि विस्कोसिटी जो थी हमारी फ्लूड की वो क्या होती, कम हो रही थी अगर जो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, दोनों इंक्रीज होगी, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं, ऑफ दीज फ्लूड्स इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारे इसकी, और इसके हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसकी पल्प हो गया। पल्प आप पढ़े होंगे, वैसे मैं बता देता हूँ आपको पल्प होता क्या है। पल्प क्या होती है, एक ये सेपरेशन प्रोसेस होती है जो कि सेलुलोज को हम सेपरेट करते हैं। जब हम पेपर वगैरह कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसकी सेलुलोज की फाइबर वगैरह जो भी हम इसमें से वो करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसी को हम पल्प कहते हैं, पल्पिंग करना, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है इसके डायलेटेंट फ्लूड की। तो और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, ओसवाल्ड डी वेले इक्वेशन। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, डी यू अपॉन में डी वाई टू दी पावर एन, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम ये इक्वेशन होती है, याद रखना है आपको, ये पता है आपको क्या है, ये क्या है, शेयर स्ट्रेस है। उसके बाद ये क्या हमारा, ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। डी यू अपॉन डी वाई हमारा क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या हमारा, शेयर स्ट्रेस है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। और ये एन, एन जो है अब हम देखेंगे एन का क्या रोल है। तो फ्रेंड न्यूटोनियन फ्लूड में, कौन से फ्लूड में, न्यूटोनियन फ्लूड में, मैंने आपको बताया न्यूटोनियन फ्लूड में क्या होता है, अगर इसमें क्या होती है, इसकी कंडीशन वन होगी और के जो होगी म्यू के इक्वल होगी, मतलब कि विस्कोसिटी के इक्वल होगी। स्यूडो प्लास्टिक में देखते हैं, इसमें जो होगी एन जो होगी ग्रेटर देन वन होगी, डायलेटेंट फ्लूड जो होती है इसमें एन जो होगी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन वन होगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये कंडीशन आपको अच्छी तरीके से याद करना है, या फिर आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अब फ्रेंड मैं आपको कुछ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बताऊंगा कि वो होता क्या, और इसके ड्राइव इक्वेशन करके बताता हूँ। अच्छा, बिगम ग्राम मैंने आपको बताया नहीं है तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड जो बिगम जो होता है बिंगम, इसकी कुछ नहीं, बस आपको इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है ना। इसमें जो शेयर स्ट्रेस है वो हमारी इक्वल होती है यील्ड शेयर की, ठीक है ना। ये क्या होती है हमारी, एक तो ये हो गई, एक आपको याद रखना है टाउ इक्वल में टाउ नॉट प्लस में ईटा डी यू अपॉन में डी वाई, ठीक है फ्रेंड। तो ये दो इक्वेशन है आपको याद रखना है, और कुछ नहीं इसमें पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, न्यूटन्स लॉ, तो हम
इसमें याद रखना है कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स होता है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, वेलोसिटी, ठीक है, एरिया इसकी प्रोपोर्शनल होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, डिस्टेंस की। यू क्या हमारा वेलोसिटी है, वाई क्या हमारा डिस्टेंस है, और एफ क्या हमारा फोर्स है, ये क्या हमारा एरिया है। फ्रेंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये चीज याद रखना है आपका, अब इसी से आप सब कुछ निकाल लेना। देखो ध्यान देते, तो एफ क्या हो जाएगा हमारा, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो ये म्यू आ जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा ए यू अपॉन में डी वाई, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं इसको, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉरी ये एफ अपॉन में ए नीचे कर दिया, म्यू यू अपॉन में डी वाई। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना है, ठीक है, स्मॉल से लेंगे बड़े तक जाएंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, या दोनों तरफ हमने यू लगा दिया है। अब देखो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारी होती है प्रेशर, क्या होती है प्रेशर, और यही हमारा टाउ भी होता है, ठीक है, याद रखना फ्रेंड इस कंडीशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, ठीक है ना। शेयर स्ट्रेस है, ये क्या है हमारा शेयर स्ट्रेस, तो ये हो गया हमारा टाउ, म्यू हो गया डी यू अपॉन में डी वाई, ये क्या हो गया फ्रेंड हमारा, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। तो म्यू निकाल लो यहां से, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा म्यू टाउ अपॉन में डी वाई, सॉरी डी यू अपॉन में डी वाई, तो ये हो गया डी अपॉन में डी यू अपॉन में डी वाई, ठीक है। तो फ्रेंड देखो मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो म्यू क्या हो गया हमारा, म्यू हो गया हमारा टाउ डी वाई अपॉन में डी यू, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा, यही हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताती है, ठीक है। तो मैंने इसकी यूनिट भी बता दिया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये हो सकती है, पास्कल सेकंड हो सकती है, या फिर केजी पर मीटर सेकंड हो सकती है, पॉइज हो सकती है, ठीक है फ्रेंड। तो एक चीज और बताना चाहूंगा कि वन पॉइज जो होती है, पॉइज क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है। वन पॉइज जो होती है हमारी, वो देखेंगे, ये होती है 1 ग्राम ऑफ सेंटीमीटर सेकंड के, ये कह सकते हैं, ठीक है, या फिर 0.10 केजी पर मीटर सेकंड, या फिर 0.10 न्यूटन सेकंड, और क्या होती है इसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर पास्कल सेकंड, ये भी इक्वल ही होगा पास्कल सेकंड, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 100 सेंटीपोइज के। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लास्ट वाला लिखा है ना, 100 CP मतलब सेंटीपोइज होती है, इसके मतलब क्या है ये सेंटीपोइज। तो फ्रेंड आपको ये ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, जो फोर्स होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू और ए अपन यू वाई के। तो फोर्स जो होगा, अगर जो ये इन्वर्सली हटेगा तो ये हमारा ये क्या आ गया, ये एक ये ग्रीक वर्ड है ये म्यू ए इंटू, इसको बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ गया डी यू अपॉन में डी वाई, टाउ को निकालेंगे, ये क्या मैंने बताया आपको, ये टाउ होता है हमारा शेयर स्ट्रेस, ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उसके बाद हम यहाँ से विस्कोसिटी अगर जो निकालेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगी फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया आपको, ओके। तो अब हम एक थोड़ा सा कुछ वो करते हैं, हमने आज तक कितना पढ़ा है, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड, चलिए ओके फ्रेंड, अब देखते हैं कि हमने आज तक क्या क्या पढ़ा है। बताइए कि एक फ्लूड है, इज ए सब्सटेंस दैट, क्या होगा बताओ, ऑलवेज एक्सपेंड टिल इट फिल एनी कंटेनर, कोई भी कंटेनर में अंदर डाल सकते हैं, कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल होती है, या कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस, बताओ क्या होगा, सोचो। मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि फ्लूड क्या होती है, अगर जो आप मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो प्लीज देखिए जा करके, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा,
उसके बिना आप इसके आंसर नहीं दे पाओगे। मैंने बताया था कि फ्लूड ऐसा होता है जिसमें कैपेबल हो फ्लोइंग हो। देखो फ्रेंड, ये एसएससी जूनियर इंजीनियर में आ चुका है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अब क्या है कि विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूड, विस्कोसिटी मैंने क्या बताया था, देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन है। रिमेन अनएफेक्टेड विथ चेंज इन टेम्परेचर, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। उसके बाद डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अच्छा ये देखते हैं ठीक लग रहा है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड की कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन प्रेशर ओनली। बताओ लिक्विड के टेम्परेचर में, याद करो फ्रेंड मैंने बताया था कि वो डिक्रीज होता है अगर जो हम टेम्परेचर को, अगर जो, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने ऑयल देखा होगा जब आप कोई भी बर्तन वगैरह में आप डालते हैं ऑयल, ठीक है ना, किसी में हमने कंटेनर में डाला। अब उसको आप हीटअप करो, क्या करो, हीटअप करो, हीट करते तो देखते हो ऑयल जो होती है बिल्कुल वो हो जाती है। सॉरी फ्रेंड, वीडियो कट गई थी कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो हम लोग यहाँ पे थे विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूड, विस्कोसिटी जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो विस्कोसिटी होती है वो होती क्या है ना, इसमें पहले हमको ऑप्शन देखते हैं। रिमेन अनएफेक्टेड विथ चेंज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इस डिपी। देखो सिमिलरली सारे आंसर है तो हमें कंफ्यूज हो रहे इसमें, है ना। तो मैंने बताया था विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड इन लिक्विड, लिक्विड होगा फ्रेंड, ये थोड़ा मिस्टेक है लिक्विड के केस में। देखो फ्रेंड मैंने बताया था आपको कि लिक्विड के केस में क्या होती है। चलो बता एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब करता हूँ विस्कोसिटी होती क्या। आपने फ्रेंड ऑयल वगैरह देखा होगा कि जो ऑयल होती है हम जैसे किसी भी बर्तन वगैरह में हम इसमें लेते हैं तो उसका क्या होता है, ऑयल डालने पर टेम्परेचर जब हम उसको बढ़ाते हैं मतलब हीटअप करते हैं तो क्या होता है, ऑयल जो होती है पतली होने लगती है, पतली होती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है, बहुत पतला हो रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें इसका मतलब क्या होगा कि डिक्रीज हो रहा है लिक्विड, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विस्कोसिटी का, क्या करने से टेम्परेचर को इंक्रीज, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेसिबल फ्लूड क्या होता है। देखो फ्रेंड ये इसरो में आया हुआ है तो आपको पता ही है इसरो क्या चीज है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखें। कंप्रेसिबल बोल रहा है मतलब कि जो कंप्रेस हो सके फ्लूड, है ना, कौन कौन से होते हैं, टूथपेस्ट है, उसके बाद फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है मैंने बताया आपको इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल फ्लूड इसरो का क्या, इसमें जो इसरो में आया हुआ है क्वेश्चन है इसका एल्कोहल अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स फ्लूड क्या होती है, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, इज फ्रिक्शन लेस होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, रेशियो ऑफ द शेयर रेट टू द शेयर रेट इज नॉट कॉन्स्टेंट है बट द कंसिडर टू द फंक्शन ऑफ द शेयर रेट, तो फ्रेंड ये हो सकता है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं इज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ, देखो ये तो ओबे ही नहीं कर रहा है, इस तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, नन ऑफ दिस तो हटाओ ही दो, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अब मेरे वीडियो देखिए पिछले वाली, उसमें पता चल जाएगा। डायलेटिंग फ्लूड क्या होती है, तो देखो इंक्रीज होती है, डायलेटिंग फ्लूड बोल रहे हैं इंक्रीज क्या इसके साथ, इंक्रीज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिक्रीज प्रेशर, या इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड देखो डायलेटिंग फ्लूड में मैंने आपको क्या बताया था कि जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ, दोनों इंक्रीज होती है। सूडोप्लास्टिक में क्या होती है, डिक्रीज होती थी विस्कोसिटी, है ना। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा विथ वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसवाल्ड डी वॉली क्वेश्चन। फ्रेंड देखो ये सिविल सर्विस आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कि अगर जो आपको नहीं पता है कि सिविल सर्विस आईएएस वगैरह क्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, कैसे तैयारी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। दे रहा है कि टॉ इज गर्ल टू म्यू डी यू अपने, ठीक है, और ये दे रखा टॉप वन, तो मैंने आपको बताया था, अच्छा टॉ इज गर्ल टू के इन टू डी टू द पावर एन है, ये तो बिंगम का है, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। और ये जो है डी यू अपॉन में, ये तो देखो न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी होता है हमें पता है, और ये जो है ये भी नहीं होगा, ये अधूरा है, क्योंकि तो ये हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एन है इसके ऊपर। उसके बाद फॉर नॉन न्यूटोनियस फ्लूड के लिए क्या होगा, तो देखो फ्रेंड ये ऑप्शन दे रखा है, ये किसके लिए था, डी ओसवाल्ड इक्वेशन के लिए था, ये भी एसएससी जेई में पूछा गया, तो न्यूटन्स फ्लो के लिए क्या हो जाएगा इसमें, एन इक्वल वन, एन इक्वल म्यू ग्रेटर देन जीरो, ये है ठीक है। तो फ्रेंड ये तो होगा नहीं ना, ये तो हमारा उसमें अप्लाई होता था ना, किसमें बताओ, सूडो प्लास्टिक में होता था, ये तो किसी में भी नहीं होता है, तो ये हमारे न्यूटोनियंस में हो जाएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन है तो आप सोच सकते हो आराम से कि किस पे क्या चीजें, पहले देखा करो कि ये किसका किसके हो सकते ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्लिक किया करो क्या ऑप्शन है हमारा। एग्जांपल ऑफ द सूडोप्लास्टिक, देखो इसरो में पूछा गया ये तो ब्लड होगा, केरोसिन गैस, देखो केरोसिन दे रहा है, जेल दे रहा है। अब देखो ब्लड तो होगा, केरोसिन जो है, ये सब तो हमारा उसके एग्जांपल थे ना, क्या कहते हैं कुछ तो इसमें कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल के, तो हमारा ब्लड हो जाएगा, मैंने आपको बताया था एग्जांपल, ये वही एग्जांपल है फ्रेंड जो मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ऑप्शन, तो आप एक बार फिर से आप खुद से ट्राई कीजिए इसको बनाने की और मेरे वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कीजिए। चलिए थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।